ये देखो ये हमारा कार्तिक है, ये देखो तो ये मेरी देवरानी का लड़का है ना, ये देखो देवरानी भी आ गए, वो देखो उधर से हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को संगीता गौड़ का प्यार भरा प्रणाम। मैं संगीता गौड़ उत्तराखंडी ब्लॉक नंदा नगर घर चमोली उत्तराखंड नंदाधाम सिद्धपीठ से हूँ। तो गाइस आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने नंदाधाम सिद्धपीठ कुरूड़ और अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग मेरी वीडियो पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दो बार की चाय तो हम पी चुके हैं, अब हम नाश्ता बनाने वाले हैं। तो नाश्ता मैं आज बनाने वाली हूँ मैं गुड़ियारे की सब्ज़ी। गुड़ियारा यानी कि प्याज की पत्तियों की सब्ज़ी, हम अपनी भाषा में उसे गुड़ियारा ही बोलते हैं। और आजकल आ रखी है हमारी बेटी रिया ऋषिकेश से, मेरी जेठानी की लड़की आ रखी ना आजकल, तो इसके पेपर पूरे हो गए हैं, ये आजकल छुट्टियों में घर आ रखी है। तो इसका कहना है कि आज प्याज की पत्तियों की सब्ज़ी बनाओ, तो इसके लिए आज प्याज की पत्तियों की सब्ज़ी बनेगी और इसी के पसंद का खाना बनेगा आज यहाँ पे। तो ये है रिया गौड़ यहाँ पे बैठ रखी है, और ये मेरी बड़ी सास है, बड़ी वाली सास। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से हम प्याज की पत्तियों की सब्ज़ी बनाते हैं, गुड़ियारे की सब्ज़ी। तो आप मेरी वीडियो पे बने रहें लास्ट तक। तो गाइस नाश्ता बनाने से पहले मैं एक बार आपको आज का मौसम दिखाने वाली हूँ। आज बहुत ख़राब हो रखा है मौसम, बारिश लग रखी है। सुबह जब उठे तो बारिश ही लगी हुई थी। तो गाइस यहाँ पे ना 3 दिन से बारिश ही आ रही है, पहले तो बारिश ही नहीं हो रही थी, अब बारिश आई तो पूरे 3 दिन हो चुके हैं बारिश आए हुए, तो अभी भी लगी हुई। देखो तो कितना ज़्यादा कोहरा लग रखा है, बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है और बारिश भी लगी हुई है, अभी भी बारिश आ ही रही है। तो 3 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण ठंड भी हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि गर्मियों का मौसम भी लग गया होगा। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा होने बैठ गई है, और क्योंकि वैसे अभी गर्मी होने बैठ गई थी धूप के कारण, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, तो 2-3 दिन लगातार बारिश होने के कारण ठंड हो रही है यहाँ पे। तो देखो गाइस इस प्रकार से अब इस प्रकार से प्याज की पत्तियों को पानी में धो लूँगी, पहले बाल्टी में डालूँगी साफ करके, इसे धो करके फिर मैं इसे छान करके छन्नी में डाल रही हूँ, ताकि जो कि प्याज की पत्तियों में जो पानी अटका हुआ है वो नीचे चला जाए। तो छन्नी में डाल लूँगी और उसके बाद मैं इसे जो है कि तनिषा काट रही है सब्ज़ी। तनिषा मेरी लड़की है और मेरी बेटी है तनिषा, और ये काट रही है गुड़ियारे की सब्ज़ी प्याज की पत्ती। अब देखो किस प्रकार से काट रहे हैं, और इसको ना कोई क्या करता है कि सीधा मतलब धो के क्या कर देता है, काट देता है, तो इसे सीधा धो के काटना नहीं है, पहले इसे अच्छे से क्या करना है, प्याज की पत्तियों को ना 2 टुकड़े करके काटना चाहिए, और इसके बीच में ना 2 भाग जैसे करना चाहिए, ताकि इसके अंदर पता चले कि कुछ तो नहीं है कीड़ी वगैरह, क्योंकि इसकी पत्तियां ना बंद रहती है, तो जैसे राई के पत्ते में नहीं लगी रहती है सफ़ेद रंग की कीड़ी, पीछे से सफ़ेद रंग के दिखाई, कीड़ी तो दिखाई नहीं दे लेकिन सफ़ेद सफ़ेद होता है वो कीड़ी रहती है राई के पत्तों में, तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी हरे रंग की छोटी सी कीड़ी रह जाती है। तो लोग ज़्यादा गौर नहीं करते कि इसके अंदर कीड़ी रहती होगी, लेकिन मैं इसे फाड़ करके 2 भाग करके तभी काटती हूँ, ताकि इसमें दिखे कि कुछ तो नहीं है इसके अंदर। और कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और थोड़ा देर गर्म होने देंगे कढ़ाई को, और उसके बाद अपने हिसाब से उसमें तेल डालेंगे। हरी सब्ज़ी में तेल ज़्यादा ही डालना पड़ता है ना, क्योंकि हरी सब्ज़ी में तेल ज़्यादा डाल के अच्छा ही होता है। और अब मैं तेल को गर्म होने दूंगी। देखो अब झाग भी ख़त्म हो गया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है, और मैं इसमें डालने वाली हूँ जीरा। जीरा डाल दिया है मैंने, और कुछ डाल दूंगी मैं लाल मिर्च, इसमें लाल मिर्च भी डाल दूंगी, घर की लाल मिर्च है, और इस वाली मिर्च को इधर निकाल दूंगी। और अब मैं इसमें सब्जी भी डाल दूंगी, और अब अपने हिसाब से इसमें नमक डालना है,
नमक डालने के बाद भुनना है सब्जी को। और इसमें मैं ना मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने ना लाल मिर्च डाली थी और कुछ मिर्च मैंने छून करके तोड़ करके भी डाली थी इसमें, छून करके मतलब तोड़ करके डाली थी मैंने कुछ मिर्च में, तो उस वजह से इसमें ना मिर्च भी हो जाएगी। इसमें मसाला नहीं डालना है। इसके बाद इसमें ऊपर से ढक्का रखना है, क्योंकि ना इसमें पानी भी निकलता है तो पानी सूख जाएगा इसका इसी प्रकार से। और पानी निकलने के बाद अब ये पक जाएगा थोड़ा देर, इसमें ढक्का रखने से। और अभी तक पूरे थाली भर की थी ना इसमें, पूरी थाली ना सब्जी जब मैंने काटी थी तो पूरी थाली भर रखी थी इसमें, तो अभी देखो पक करके ना पूरी सब्जी घट गई है और कम हो गई है, बिल्कुल कम हो जाती है बिल्कुल से, क्योंकि इसमें ना पानी ज़्यादा भरा रहता है तो इसका पानी सूख जाता है, तो बिल्कुल कम हो जाता है घट जाता है। और मैंने इसे ना हल्के आंच में पकने के लिए छोड़ दिया है और कुछ देर तक इसमें ढक्कन रख दूंगी 5-10 मिनट तक, और उसके बाद ये पक जाएगा। और उसके बाद मैं प्रकार से अब सब्जी तैयार हो गई है और अब मैं इसे उतार लूंगी नीचे और लाल मिर्च इसके ऊपर रख दूंगी जो भुनी हुई मिर्च थी। तो तैयार होगी ये सब्जी अब।